उन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया, शायद पता नहीं किस लिए बुलाया। आज का ब्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम शूट कर रहे हैं किसके लिए और लोगों को दिखाऊं, वो नहीं होता बचपन में। व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ मुंबई, अभी मैं कैब में बैठा हुआ था, अभी मेरी फ्लाइट है 8:50 के कुछ, तो अभी 6:30 हो रहे हैं मुझे जी, कैसे भी करके एयरपोर्ट पहुँचना है जल्दी जल्दी, फिर मैं मुंबई जा रहा हूँ किसी काम से, तो मैं पता लग जाएगा जल्द आपके नज़दीकी OTT प्लेटफॉर्म्स पे। अभी साढ़े अप्पा आ गए ने टर्मिनल, सॉरी एयरपोर्ट पे आ गए रे अप्पा। भाई मैं इस समय सच में जिसको मिस कर रहा हूँ वो है सरगैस्टिक मॉन्क, मेरा दोस्त, पता नहीं क्यों साले से ही सबसे ज़्यादा बनती है, लेकिन वो है नहीं यार इधर। मेरे को प्लेन के वो किस्से याद आ रहे हैं जब मैं और मैक्सटेन और मॉन्क और अस्तर मिले थे सब पहली बार। मेरे साथ तुम आई होती तो मैं ये ले लेता तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे साथ तुम आई नहीं हो। गाइस अब हम जा रहे हैं फ्लाइट पे, और मेरे साथ है क्रैड भैया। कैसे भैया? गुची गैंग, हम साथ में जा रहे हैं स्प्लिट से ला के शो में। वाओ उर्फी, आई एम कमिंग उर्फी, मैं आ रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए उर्फी, फॉर यू, कमिंग फॉर यू। सबसे बढ़िया ई रिक्शा में चलते अंकल जी, सच कह रहा हूँ ना अंकल जी, शाय हो गए। नमस्ते अंकल। देख लो मेरे जैसा बंदा बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने वाला, आज मैं इतनी गरीबी, ये शूट शाट होता है ना उसमें ऐसे नॉर्मली फ्लाई करना पड़ता है, और एक तो एयर इंडिया भाई बहुत धीरे चलता है यार, इससे तेज तो मैं मेट्रो में सफ़र कर लूँ। हाँ ट्रेन में, ट्रेन की याद आ रही है मेरे को भैया। भैया आई लाइक योर बियर्ड, लव यू। मेरे भाई मिले, मेरा भाई बलवीर, मेरा भाई सतवीर कितनी रोटी खाई भाई भाई सतवीर ये भाई क्रेडिट कार्ड दिखाया, आधार कार्ड की जगह और चल भी गया, चल भी गया। अबे भाई बस आएगी अब DTC की बस अड्डे सागरपुर पालम, आजा भाई अभी भी गेट नहीं खुला भाई। शिट यार आज इन लोगों ने मेरी बिजनेस क्लास बुक ही नहीं करके दी, अब मेरे को पीछे जाना पड़ेगा यार। सफर रखो भाई आगे भी है, बहुत लंबा सफर है। नया प्लेन लिया क्या? कल ही से मेरे से चेक मांग के गया था, लगता नया ही लिया। क्या क्वालिटी है भाई, अभी प्लेन में बैठ गए, मजा आ रहा है। वो इंडिगो से तो अच्छी नील कलर की कुर्सी लगा रखी है मैंने, वहां से मांगा मेरे पास बैठ गया। ये भी मैंने चॉकलेट ली थी एयरपोर्ट पे मिस्टर बीस की, एक मिनट मैं इधर देखूँ, इधर देखूँ, चलो मैं इधर देखता हूँ, इधर देखूँ महंगा लगूंगा मैं। अच्छा मैंने ना अभी चॉकलेट ली थी मिस्टर बीस की, और तुम मानोगे नहीं पूरे पैसे ख़राब हो गए उसमें सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए, और अभी मैं एयर हॉटेस दिखाता हूँ तुम्हें, अभी दिखाता हूँ, तो मतलब पूरे पैसे बर्बाद हो गए थे उसमें। अब देखते नहीं भाई मैं कन्फ्यूज़ हो गया, 9:25 हो गए अब तक प्लेन नहीं चला यार। ये देखो ये भैया हमारे, ये भी ब्लॉग करते हैं, ये भाई और हम एयर हॉस्टेस ही देख रहे तब से। As I reached my hotel, 31 नंबर, yeah। मैं अपने होटल पहुंच चुका हूँ, मेरे को ओल्ड डेज याद आ रहे हैं मेरे PG के, कौन से थे वो पुराने दिन, 32 सबसे अकेले में दिया 31। ये रहा मेरा होटल, देखते क्या होता है। ये वैस की टैट यार, रुकेंगे हम, ये मजे ही मजे, 45 दिन काटने हैं यहाँ पे। आओ मुंबई का बीच, आज हम आ गए मुंबई के बीच में, मुंबई का बीच। हाय गाइस अभी हम मुंबई में, और मुंबई में मैं जा रहा हूँ गरबा खेलने, ये मेरा आउटफिट है। तुम सोच रहे हो कि भाई कुर्ता वुर्ता पहन के, क्योंकि नहीं जा रहा भाई, दिल्ली से है भाई, नहीं बताना लोगों की हम कुर्ता पहनते हैं, मेरे को नहीं अच्छा लगता कुर्ता पहनना, अजीब लगता है। तो अभी हम जा रहे गरबा खेलने, और वहाँ पे करेंगे चटक गरबा डांडिया, ओए होए डांस भाई। यहाँ तो सारे गरबा के कपड़े पहन के आए हुए, देखो भाई मैं कहाँ से जाऊँगा भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करके आ गया हूँ, मैं नॉर्मल कपड़े पहन के आ गया, अब बेइज्जती होगी भाई, भाई मेरे को बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। ये गरबा है कुछ, आंटी भी कपड़े पहन गए हैं, सब कपड़े पहन गए हुए हैं। अरे मैं तो ऐसे ही आ गया यार
भाई बेइज्जती हो गई यार, बहुत गंदी बेइज्जती हो गई। अब तो बहुत तगड़े तगड़े कपड़े पहन के आए गरबा के, ये तो भाई ये तो बहुत सीरियस है गरबा को लेके। काश मैं इतना सीरियस अपने करियर को लेके हो जाता। लेकिन गाइस ग्लैमर मुंबई का टॉप नॉच भाई, टॉप नॉच। भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पे पंडाल में और अपनी इस दोस्त के साथ मुंबई वाली गुरलीन जी। हेलो गुरलीन जी। हाय। इसने मेरे को आज कलर बताया था कि ग्लू कह रहा हूँ मैं, ब्लू कुर्ता पहन कर आना है। और ये खुद ही ये क्या है, ये फोटो ले रही है अपनी। तो मैं ऐसे ही आ गया हूँ दिल्ली वाले, बताइए कैसा लग रहा हूँ मैं। तो हैंडसम ही लगेगा। ओह माय गॉड, सही कह रही है, चले डांस करते हैं। मेरे पर बारिश हो रही है भाई, अभी ये पूरा ग्राउंड शायद भर जाएगा जितना बता रहे हैं। और यहाँ पे होगा गरबा, मैं सेट से सीधा मुंह भी नहीं धुला और तुरंत आ गया गरबा के लिए। लेकिन सही में मट साइड ऐसा कुछ होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। बोरीवली अब लग रहा है मुंबई आ गए असली। ये गुरलीन का शूट हो रहा है यहाँ पे, वाह ग्लैमर। ये देखो भाई भाई अभी हम स्टेज के इधर आ गए भाई, अब नाचना है, नाच। यहाँ पे करण औजला नहीं चलता, बारिश होने वाली है भाई। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहे हो आप भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। मुंबई में कुछ लोग मिल गए हमें, कहाँ पे भाई हम कंफ्यूज हो गए। हम एक ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हमें कह दिया आउटसाइडर नॉट अलाउड। ये गोले में क्यों खेल रहे हैं सारे, आई डोंट नो। ऐसे भी तो खेल सकते हैं नॉर्मल, ऐसे भी तो खेल सकते हैं, ऐसे हमारे BW में होता है। यहाँ पे मिले कुछ भाई हमारे, हाय हाय आ जाओ। यहाँ सब गोले में परगा कह रहा हूँ, गरबा खेल रहे हैं। क्या हुआ, अभी हम रील बनाने जा रहे हैं। अब भाई थोड़ी देर ऊपर बैठने जा रहे हैं, थक गए हैं पूरा, थक गए। मैं अभी मुंह के बल गिरता। ला भाई स्टाफ है भाई, यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़, बहुत भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा। ये बैठ गई यहाँ पे, ये क्राउडेड एरिया में, VIP एरिया में गरबा करने का मजा नहीं है, जो मजा क्राउड में जाके है, मिसिंग क्राउडेड एरिया। चलो भाई करो करो करना मुरली। अच्छा पहले सर्कल बनाना पड़ता है इनमें, बोला आ जाओ भाई। अरे भाई ने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया, शायद पता नहीं किस लिए बुलाया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, गरबा खेल रहा है, न्यूज चैनल के लिए गरबा। वैसे तो खेल ली नहीं भाई, भटकना पड़ेगा। इन्होंने न्यूज बुला ली हमारे तो, और मेरे को यहाँ हंसी आ रही है, हंसी नहीं आ रही भाई आपको। एक IPL वाले और एक न्यूज वाले, सिर्फ लड़कियां दिखाते हैं, हम लड़कों से तो मतलब ही नहीं है। भाई बोल, मैंने हाँ ब्लॉग में बोल मेरे से कि तूने माता रानी से क्या मांगा। बैलेंस, अबे तू पूछ मेरे से बैलेंस, तूने माता रानी से क्या
तुझे और तेरा साथ जिंदगी भर। सो क्यूट। पुकी, पुकी। भाई ये गुरली अब स्टेज पे लेके जा रही है अवार्ड के लिए। यहाँ पे इतनी भीड़ है और मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना भाई। और मैं सीरियस सिचुएशन में बहुत हंसता हूँ भाई। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है भाई? कह रही है गुड लुक गुड लुक गुड लुक, जिसे कंटेंट की बात करें गुड लुक गुड लुक, तो हम लोग कहाँ जाए फिर? मेरे को तो डूब के मर जाना चाहिए भाई। हम मुंबई आए थे इवेंट में और इवेंट में हमें सम्मानित किया गया अवार्ड से और भाई बहुत अच्छा लगा देख के। एंड इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। थैंक्स टू गुरलीन एंड थैंक्स टू हिम। वाओ यार, मैं दूसरी साइड रह रहा था मुंबई के, कोतामड आइलैंड, जहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन जब मैं मेन मुंबई में आया हूँ, मेन मुंबई में बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं भाई भाई। अब हम कुछ खाने जा रहे हैं, खाने जी। दशहरे का व्लॉग आपके सामने है प्लेग्राउंड का। और आज दमाद जी को दमाद जी वाली फीलिंग, वो वैनिटी में जाके फोटो खिंचवा लेगा। ओके, आज का व्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम शूट कर रहे हैं किसके लिए? दशहरा के लिए। एंड लाइक कुछ दिख तो नहीं जाए, लेकिन डेल में चश्मा लगा लिया मैंने और मैं चाहता हूँ लोगों को दिखाऊँ। वो नहीं होता बचपन में, आज कंजक भी है वैसे। कितने रुपए इकट्ठे हुए कंजक में? मैं जा रहा हूँ कंजक लेने लोगों से। और पता नहीं क्यों मन सा कर रहा है घूमने का, होता है ना वो अंदर से। बाकी तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई स्मार्ट है। दामाद जी अंगना में पधारे। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप? आई एम गुड, आप कैसे हो? आई एम गुड गुड। प्ले ग्राउंड के दामाद। क्या भाई आज हो रहा है? क्रिकेट मैच बिटवीन क्रैट एंड वैलेंस, वी आर क्रिकेट मैच। ओ माय गॉड, अब पहनेंगे देखते क्या होता है। भाई अब क्रैट भैया गए हैं खेलने, क्रैट भैया खेलने गए हैं। मैं क्रैट भैया को यहाँ से बॉल डालने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्या करना है। ओके रुको रुको रुको, मैं चुनता हूँ। गंदी बॉल डाली है मैंने, तगड़ी घुमाते बॉल छूटते हैं। छू, ओ ओ नो, टूट गई। हैप्पी बर्थडे चलो हाँ, उसको मजा करने दे। चलो एकदम ऑफ स्पिन, ऑफ स्पिन खेलते हैं। नहीं डालो तो सही, जल्दी करो, बहुत बोरिंग है। खेल दी ब्लॉक, ये पपलू डाल दी एकदम पपलू। अब देखते क्या, ये लुली बॉल नहीं दे रहे थे तो बच्चों को लुली से ये चू अबे अच्छे बोल, मजे देने बॉलर चेंज करो, लेग स्पिन। चलो जी फिर से ले भाई, ले भाई होलिया काम। अब गए ले ये ले चू क्रेड भाई डांडिया खेलो फिक्सिंग होते हुए मैच फिक्सिंग होते हुए ओले। पेस मीडियम पे सर, और अगर एक यॉर्कर हो जाए तो आज के लिए तो तीन चार वर्ड मिल ही गए हैं। महंगे महंगे छू भाई, इनको कहीं पे भी डालो, इनसे नहीं लगनी। फुलटॉस मुश्किल है गाइस। ओए ओए छू चू चू बैंगा सूर।